हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा कि दर्पण की कितने भाग होते हैं या फिर दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें हमने सीखा था कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है और फोकस क्या होता है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है और जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी जाती है और जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहला टॉपिक है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या फिर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है या फिर अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जो धसा हुआ होता है ना, और उसके उभरे हुए भाग को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वही हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। तो वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत पर। ये जो वस्तु है ये क्या है? इंफिनाइट पर रखी है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु अनंत पर रखते हैं तो इसकी जो आपतित प्रकाश की किरणें होती हैं, ये क्या है? आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें जो है इस दर्पण से टकराकर, अवतल दर्पण से टकराकर क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या फिर मुख्य अक्ष पर क्या होती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, इस वस्तु की प्रकाश किरणें क्या होती हैं? दर्पण से टकराती हैं। टकराने के बाद ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। इसी पे क्या होती हैं? परावर्तित हो जाते हैं। तो परावर्तित होने पर जो जो है प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? बी और ए बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि वस्तु का जो आकार है, मान लो कि वस्तु क्या है, काफ़ी बड़ा है लेकिन अनंत पर रखा है, तो उसका आकार क्या होगा? बिंदु आकार का। ठीक है, इसका आकार क्या होगा तुम्हारा? बिंदु आकार का। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे कि यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु का क्या करते हैं? अवतल दर्पण में अनंत पर रखते हैं, तो इस वस्तु की आपतित प्रकाश की किरणें इस जो है लेंस नहीं, दर्पण से टकराएंगी। टकराने के बाद क्या होंगी? ये मुख्य अक्ष पर आपतित हो जाएंगे। तो आपतित होने पर क्या करेगा? ये जो प्रतिबिंब है इस वस्तु का, ये यहाँ पर मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का। वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा क्या है? आपतन कोण है। और आर हमारा क्या है? परावर्तन कोण। आई हमारा क्या है? आपतन कोण है। ये क्या है? आपतन, आपतित किरणों से आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तन किरणों से, परावर्तित किरणों से परावर्तन कोण बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मेन टॉपिक यही है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंदु आकार का। देखिए, पहले हमने समझाया कि वस्तु अनंत पर रखी जाती है। यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। लेकिन वस्तु अब क्या होती है? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में आ जाती है। जो वस्तु है वो क्या है? अनंत, इन्फिनाइटी और वक्ता केंद्र के बीच में रखी जाती है। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा, इमेज, ठीक है, पहला कंडीशन, इसका जो इमेज होगा, प्रतिबिंब, वो कहाँ पर बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब है ये आपका बन जाएगा मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब पता चल गया कि कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बनेगा? ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? कैसा बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है,
और हम क्या करते हैं, वस्तु का जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, तो ये हमारा क्या है, उल्टा बनेगा, उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है किस आकार का बनेगा, तो आकार मान लो वस्तु से थोड़ा छोटा, आकार में थोड़ा छोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकार में थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। मान ली कि वस्तु हमारी 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका आकार जो प्रतिबिंब का होगा वो हमारा 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और इसका जो अगला पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा कि वस्तु का आकार कैसा होगा, ये हमारा वास्तविक होगा, ठीक है। वस्तु का आकार तो हमारा थोड़ा छोटा होगा, और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट थे हमारे, जब वस्तु को हम अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से आकार से थोड़ा छोटा बनेगा और ये वास्तविक बनेगा। ये आपका सेकेंड पोजिशन था। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये वस्तु है ना, कहाँ पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर। वस्तु को हम क्या कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि वस्तु को हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये सारे कंडीशन होती हैं, उसका प्रतिबिंब उल्टा, आकार में थोड़ा छोटा और वास्तविक बनेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये तीसरी पोजीशन है, जब वस्तु को हम क्या करते हैं, वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ठीक है। तो हम पहले की दो जो अभी कर चुके हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का जो आकार होगा वो बिंदु आकार का होगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन में जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। लेकिन अगर वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, वक्ता केंद्र पर, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो भी हमारा वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। और वस्तु जितना ही बड़ा होगा उतना ही आकार का क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा, वक्ता केंद्र सी पर, है ना। वक्ता केंद्र क्या होता है, देखिए हमने काफ़ी सारी डिफिनेशन बताई थी कि वक्ता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है और मुख्य फोकस क्या होता है, ये आप लोग पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र बनेगा, ठीक है। उसके बाद कैसा बनेगा, आकार क्या होगा, वस्तु के आकार का, 10 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा वस्तु के आकार का। तीसरा पॉइंट है वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा यहाँ पर, उल्टा। तो इतने चार हमारे कंडीशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में, ठीक है, हमारे दर्पण दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, जो उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण क्या होता है, जो धसा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा वक्ता केंद्र बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पोजीशन है कि जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र, जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र व फोकस के बीच में रखते हैं तो ये हमारा हो गया वक्ता केंद्र और ये हमारा क्या हो गया, फोकस। देखिए पहला कंडीशन क्या था, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया था, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, या मान लो कि हाँ इन्फिनाइट है, ठीक है, बीच में वस्तु को रखा गया था, अभी तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या था, इस जगह पर क्या रखा हुआ था, वस्तु, है ना। और तीसरा कंडीशन क्या था, वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा गया था तो वस्तु का जो प्रतिबिंब था वक्ता केंद्र पर ही बना था, है ना। और हमारा ये चौथा कंडीशन है, वस्तु को हमने वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया है, ये हमारा क्या है, फोकस है। यहाँ पर हमारा क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य
फोकस, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, ए और बी वस्तु रख दिया। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा चौथे कंडीशन में, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है वास्तविक, सेकंड क्या है, वास्तविक जैसा है उसी प्रकार का, ठीक है। तीसरा है उल्टा, तीसरा क्या है, उल्टा। और चौथा पॉइंट है वस्तु के आकार से बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। यहाँ पर लिखना, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है। एक बार हम फिर से समझेंगे, जब वस्तु को अवतल दर्पण पे, यदि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा। तो ये हमारा चौथा कंडीशन है, सिक्स कंडीशन है, दो कंडीशन और बची हैं। अगला कंडीशन क्या है, वस्तु को उठा के कहाँ पर रख दिया गया, फोकस पे, ठीक है, मुख्य फोकस पे। और लास्ट कंडीशन जो होगी वो होगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ये क्या है, पी पोल। ध्रुव के बारे में बताया था ना, हम ध्रुव के बारे में हमने बताया था कि क्या होता है ध्रुव, ठीक है, जो दर्पण का केंद्र होता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में वो हमारा लास्ट वाला पॉइंट होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर। नेक्स्ट पोजीशन है पांचवी पोजीशन, जब वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर, ठीक है। इससे पहले हमने कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, है ना। अब वस्तु को कहाँ पर उठा रख दिया गया है, फोकस पर। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा बहुत बड़ा होगा, ये प्रतिबिंब होगा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु के आकार से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये हमारा क्या था, सेकंड पोजीशन, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा थर्ड। थर्ड में क्या है, वास्तविक, थर्ड में क्या है, वास्तविक होगा। और फोर्थ में क्या है, उल्टा, फोर्थ में क्या है हमारा, उल्टा, ठीक है। तो इतने सारे कंडीशन हैं जब वस्तु को हम क्या करते हैं, अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को हम क्या करते हैं, अनंत पर ना रखकर कहाँ रखते हैं, फोकस पर। अनंत पर ना रखकर कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये हमारा पांचवा कंडीशन था, ठीक है। पहले कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था, मुख्य फोकस पे। दूसरे कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब था वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरे कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब था, हमारा जो तीसरे कंडीशन में प्रतिबिंब था वो हमारा वक्रता केंद्र पर बना था, है ना। और चौथे कंडीशन में जो प्रतिबिंब था वो हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जो पांचवा कंडीशन है वो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। और आखिरी कंडीशन है जब वस्तु को हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। मान लो कि यहाँ पर वस्तु क्या रखा जाएगा, ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या होगा, इसको हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। आखिरी कंडीशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट है, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के, ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फोकस, इसी के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा,
जिसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, है ना। दर्पण क्या बनेगा, पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आभासी होगा। अभी तक हमारा क्या था, वास्तविक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और यहाँ पर थर्ड, और ये फोर्थ कंडीशन है कि सीधा, है ना। अभी तक हमारा चल रहा था उल्टा, वस्तु का जो प्रतिबिंब हो रहा बन रहा था वो क्या हो रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन यहाँ पर यदि वस्तु को हम फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और दर्पण क्या बनेगा, पीछे, है ना। और ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पे छः के छः कंडीशन हमने अच्छे से समझा दिया होगा, आप लोग ने समझ भी लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक साथ सारी कंडीशन को लिखेंगे, जिस प्रकार वो हमें आसानी से याद हो जाए। अभी हम फिगर बना देंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इस फिगर के द्वारा समझेंगे कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, और वस्तु को हम केंद्र पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो फिगर के द्वारा हम समझेंगे, ये हमारा दर्पण हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस, और ये हमारा वक्ता केंद्र, और ये क्या है, इन्फिनिटी या फिर अनंत, इसे हम क्या कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले वस्तु हम अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा बिंदुआकार का, वास्तविक उल्टा बिंदुआकार का, और कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब जब अनंत पर रखते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, वस्तु को हम अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ पर, जहाँ पर फोर कंडीशन में वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो कहाँ पर बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। और तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर उठा लाते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का बनेगा, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्ता केंद्र पर, ठीक है। और हमारा पांचवा नहीं चौथा कंडीशन है, वस्तु को वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहाँ पर बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, मतलब यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन में जहाँ वस्तु रखी गई थी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, कौन सी कंडीशन में, आपका चौथी कंडीशन में, है ना। और पांचवी कंडीशन में वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, पीछे चला जाएगा इसका प्रतिबिंब। लास्ट और अंतिम कंडीशन है आभासी, वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का आकार सीधा होगा, वस्तु से बड़ा और आभासी, और कहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक हम आप लोगों को समझाएंगे कि क्या होता है दर्पण, और कई सारे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर डिफिनेशन है उनके बारे में हम सही से अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो पाने के लिए वीडियो मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।